आज के समय में तेज रफ्तार में और भाग दौड़ भरे जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि शायद ही कभी अपने लिए समय निकाल पाते हैं। ऐसे में हमारा शरीर हमें ही जवाब देने लग जाता है, वहीं हमारा चेहरा थकावट के मारे मुरझा सा जाता है, जो काफी तकलीफ देह होता है। इसीलिए आज हम आपको कुछ उपाय बताने वाले हैं जो सुंदर दिखने के लिए बहुत ही जरूरी है, और वो भी आसान कामों के द्वारा आप इसे अपना सकते हैं और इसे छुटकारा पा सकते हैं और आप सुंदर दिख सकते हैं। आपको बता दें कि सोने से पहले आपको कुछ उपाय करना है। ये तो कुछ लोग अपने चेहरे का हुलिया ठीक करने के लिए पार्लर के समय निकाल लेते हैं, लेकिन सही बात ये भी है कि इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। खूबसूरती कुछ समय के लिए बरकरार रहती है। अगर आपको वाकई सुंदर दिखना है तो आप पानी जरूर पिए, ये आपको सुंदर बनाने में बहुत लाभकारी होता है। वैसे देखा जाए तो हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व होता है। यह न सिर्फ हमें जिंदा रहने में मदद करता है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर जमा हो रहे अशुद्धियों को दूर करता है। पानी के सही उपयोग से आपके शरीर के अंदर जमा हो रहे विषैले तत्व आपके टॉयलेट यानी पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि खूबसूरत दिखने के लिए आपको रोजाना रात को अपने सोने से पहले शीतल पानी से अपना चेहरा जरूर धुलना होगा। पानी का उपयोग आपकी त्वचा के लिए क्लेजर के रूप में साफ करने में दम रखता है। वहीं दूसरा उपाय कर सकते हैं फेस मास्क का। रोजाना रात में सोने से पहले अपने चेहरे पर फेस मास्क जरूर लगाएं। अगर आपका फेस मास्क घरेलू नुस्खे के सहारे बना है तो आपके लिए काफी सही साबित होगा। जान लें कि फेस मास्क जो है हमारी त्वचा को स्वस्थ और पोषक रखने का शानदार तरीका माना जाता है। वहीं कुछ लोगों की स्किन काफी रफ और टफ होती है, ऐसे में अपनी शुष्क त्वचा में फिर से नमी और खूबसूरती वापस लाने के लिए सिर्फ फेस मास्क ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर क्रीम, लोशन या फिर नारियल का तेल आप लगा सकते हैं। इस टिप्स को आजमाने से आपकी त्वचा में फिर से नमी वापस आ सकती है। सुंदर दिखने के लिए आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आप रात भर जग रहे हैं और 7 से 8 घंटे नींद नहीं ले रहे हैं तो जान ले कि आप कभी खूबसूरत नहीं दिख सकते, क्योंकि त्वचा आपकी थकी और हारी हुई दिखेगी। तो अगर आपको खूबसूरत दिखना है तो आपको भरपूर नींद भी लेनी होगी। क्योरेन हेल्थ डेस्क से अभिषेक की रिपोर्ट।